वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग? तो गाइस अभी हम लोग जो केलवे में है, तो अभी हम लोग केलवे से जो हम लोग को डैम जाने का, तो अभी हम लोग उसके लिए निकल रहे हैं। तो हमें दोस्त के लिए, हम अपने दोस्त का वेट कर रहे हैं। एक फ्रेंड है जो उसके लिए वेट कर रहा है, तभी वो आएगा तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे। 2 hours later सूरज आ गया, तो यही था जिसके से वेट करना पड़ा था, तो अभी आ गया। तो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से डैम की ओर। हम तुम चले टेढ़े मेरे से रस्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बाव रे। क्यों न हम तुम फिरे जाके अलमस्त पहचानी राहों के परे, चल भटक। तो गाइस हम लोग जो है केलवे से निकले, तो हम लोग डैम जाने के लिए हम लोग जा रहे हैं पैदल। अभी सब लोग जब पैदल ही निकले, तो आगे भी जो लोग चल रहे उधर ही, तो इधर से कम 1 घंटा लगेगा हम लोग को वहाँ डैम जाने के लिए। इन टिमटिमाती निगाहों में, इन चमचमाती अदाओं में लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बावरे। तो गाइस जैसे आप देख रहे हो वो जो पहाड़ दिख रहा है आपको वहाँ पे, कितना खतरनाक नज़ारा है यहाँ से। तो हम लोग को जो उसी पहाड़ पे जाने का है, तो उधर डैम भी और जो है झरना बहता उधर से, तो हम लोग उधर ही जा रहे हैं। तो गाइस तो हमारे साथ है सचिन शर्मा, तो ये हम लोग के साथ जो पहली बार यहाँ पे आया है, तो हम लोग ये फर्स्ट टाइम आए, लेकिन हम लोग के साथ ये फर्स्ट टाइम आया है। हाँ, मैं तो फर्स्ट टाइम। तो ये यहाँ आया है ना, तो इसको यहाँ पे जो पूरी गांव की याद आ गई है, तो बता मैंने पहले की बता कैसा लग रहा है तेरे को? बहुत अच्छा बोल, यहाँ की आती जो स्मेल आया ना, वाओ। इसको इतना अच्छा लग रहा है बोल नहीं पा रहा है। अरे यार चुप कर। ये जैसे यहाँ आया ना, उसको ऐसी स्मेल आई ना कि उसको पूरी गांव की याद है। मन बोल रहा है कि मन कर रहा है गांव चले जाए यहाँ से, तो आप जा सकते हो। जा सकते हो, रास्ता तो चले जाता था। इतना मस्त लग रहा है, देखो आधे लोग उधर आराम से मस्त लेटे हुए बैठे हुए, और एक हमारा ब्लॉगर सचिन शर्मा। अच्छी नहीं, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बहुत सही, एक नंबर लग रहा है। खतरनाक ना। तो देखो इन लोग तो यहाँ पे आके मजे में सो रहे, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? मजा आ रहा भाई, बहुत ऐसा लग रहा है कि भाई इधर फार्म हाउस बनाओ और इधर आके सो जाओ भाई। इधर ही कैंप करने का वन नाइट। और बादल पंडित, तो यहाँ हमारे ब्लॉगर भाई पेड़ में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे का सर, चला जा संग
खनखनाती है सो गाइस, तो हम लोग जो अभी पहुंचने वाले हैं तो कम से कम सिर्फ 5 मिनट लगेगा वो डैम तक पहुंचने में। 5 मिनट्स लेटर। तो वो रहा गाइस, जो उधर छोटा सा बोर्ड दिख रहा रहेगा आपको, तो उसके आगे ही जो पूरा डैम है। तो गाइस डैम पहुंच चुके हैं, लेकिन इस पे एक बार आए थे तो पानी बहुत ज़्यादा, तो इस बार थोड़ा कम कर दे क्योंकि बारिश का मौसम है ना, इसलिए उन्होंने जो पानी थोड़ा कम कर देते हैं। स्टार्टिंग में जब बारिश होता था पानी कम कर देते कि बारिश हो तो भरे तो ज़्यादा ऊपर ना आए। हाँ, तो गाइस अभी जो डैम था आप देखे, तो अभी हम लोग और आगे जा रहे, तो उधर जो पहाड़ की इधर जो है हमें बुलाती है जिंदगी जो करना है। बकरी को पकड़ अन्ना मत लेके जा। आंटी गाली दे रही थी वो आज कल ना इसको टाल बावरे हम तुम चले जिंदगी के नशे में ही धुत सर्फ रे चल भटक लेना बाब रे क्यों ना हम तुम तलाशे बगी। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और कपड़े भी चेंज कर लिए, तो अभी हम लोग जो देखो सब नहाने, आधे लोग चले गए नहाने, अभी हम लोग भी जा रहे नहाने। करो ना कैसा है, कह रहा है मेरा मेरा। ए साला बीच में आ गया सीनिया जब तू कूद रहा था। क्या तेरा हाल बावरे ये अच्छा था। क्या जिंदा है कि नहीं कर तुम दो। अरे तो गाइस अभी जो हम लोग का सबका जो नहा के हो चुका है, तो हम लोग फिर इधर से उधर जा रहे, उधर जाके थोड़ा सा खाएंगे पियेंगे, फिर थोड़ा आराम करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग घर की तरफ निकल जाएंगे। पानी देना इसमें है कि नहीं, पानी है बहुत बड़ा। अच्छा रिकॉर्ड हो रहा था क्या? तो गाइस तो ब्लॉग को अब यहीं खत्म करते हैं। तो यहाँ तो बहुत मजा है नहाने में, घूमने में भी, और यहाँ का जो जगह था ये मेरे को ये लेके आया था रौनक, कॉन्टेक्ट नंबर 98 तो मेरे को लेके आया था। ट्रैक पे जाना रहे पहले मेरे को कॉन्टेक्ट कीजिए, कॉल टू रौनक गुप्ता।
ठीक है, बाय बाय। क्यों न हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रस्तों पे नंगे पांव रे, चल